तो हेलो यार, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज की वीडियो में हम एक चैलेंज वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। इस टाइम तक तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग शादी पे आ चुके हैं। मुझे नहीं पता कि किसकी शादी है, बस हम लोग एक चैलेंज करने के लिए शादी पे आए हैं। और साथ ही ये लड़का देखो गिलास रखना शुरू कर देता है, और ये शादी बिल्कुल रैंडम शादी है। तमाम यूट्यूबर लोग, सारे छपे ही लोग ये चैलेंज करते थे, तो हमने भी सोचा हम क्यों ना ये चैलेंज करें। तो मुझे नहीं पता कि इनकी शादी है, तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो इस टाइम तक तुम लोग देख सकते हो कि मेरी बहुत बुरी हालत हो चुकी है, पेट में बिल्कुल दर्द हो रही है और बिल्कुल इस टाइम भूख लग चुकी है। और साथ ही ये साला आगे पेटे लगाने लग पड़ता है, और इस टाइम तक गिलास भी लग चुके होते हैं, और ये साले चिंदी चोर, चप्पल चोर, बच्चे लोग भी आगे बैठ जाते हैं। इस टाइम तक मुझे वॉशरूम आ चुका था, तो मैं सोचा क्यों ना पेट खाली कराऊँ। साथ ही शुक्र लगा कि मुझे वॉशरूम मिल जाता है, मैं वॉशरूम कर लेता हूँ। और साथ ही जब मैं वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ क्या नाम है कि तमाम हाल फुल हो जाता है, और तमाम साले भूखे नंगे लोग आके बैठ जाते हैं, और सब लोग तुम लोग के भाई को इस तरह घूरते हैं जैसे पता नहीं मैं कोई चोर चक्का हूँ। लेकिन तुम लोग के भाई ने ड्रेसिंग इतनी हैवी की हुई थी कि तमाम लोग तुम लोग के भाई को देखकर एकदम फ्लैट हो चुके थे, और ये तमाम लोग तुम लोग के भाई को बिल्कुल इस तरह देखते जैसे पता नहीं मैं कोई साला चोर चक्का भूखा नंगा हूँ। लेकिन इस टाइम तक बिल्कुल कोई कुर्सी खाली नहीं थी जहाँ पर मैं बैठ सकूँ। तमाम लोग बड़े खुश छोड़ दे कि ये लड़का हमारी वीडियोस बना के कितना खुश हो रहा है क्या नाम है। तो इस टाइम तक शुक्र है कि मुझे कोई एक दो जगह मिल चुकी थी क्या नाम है बैठने के लिए। और साथ ही तुम लोग ये साला चप्पल चोर चिंदी चोर बच्चे को देखो, साला फेक स्माइल पास कर रहा था इस साला। और इस टाइम तक क्या नाम है ये भूखा नंगा देखो क्या नाम है किस तरह नान को कुत्तों की तरह पड़ चुका है, और साथ ही टेबल पे आ जाते हैं चावल, और तमाम लोग के नाम है चावलों को कुत्तों की तरह पड़ जाते हैं। और साथ ही देखो ये सारे छपरी लोग, भूखे नंगे लोग किस तरह तुम लोगों का भाई फिर भूखे नंगों लोगों की तरह, तुम लोग भाई ने देखो कितना गोश्त और क्या नाम नान वगैरह ला के तुम लोग भूखे नंगों की तरह क्या नाम है रोटी के ऊपर टूट पड़ा। और तुम इस सारे छपरी को देख सकते हो, इस साला किस तरह कुत्तों की तरह बैठ के खाना खा रहा है। और इस टाइम तक तुम लोग का भाई भी एकदम बिल्कुल पूरी तरह वैसी हो चुका था, क्योंकि वैसा भूख लगी थी, पेट पालने के लिए वैसा कुछ भी करना पड़ता है। और मुझे फिर थोड़ी देर रियलाइज हुआ कि शादी किसी जट्टों के पुत्र की शादी है, और तुम लोग देख सकते हो मैंने खीर भी डाल ली। और क्या नाम है तुम साले इस भूखे नंगे को देख सकते हो, साला किस तरह कितना चोर साला छपी किस तरह खा रहा है, और साला किस तरह कुत्ता कुत्तों की तरह एकदम रोटी को लग पड़ा था। और तमाम लोग इस तरह के नाम है भूखे नंगों की तरह खाते थे, तुम लोग देख सकते हो तमाम लोग भी क्या नाम है इस टाइम चाय के ऊपर टूट चुके थे। और मुझे फिर रियलाइज हुआ कहीं शादी किसी जट्टों के मुंडे की शादी है, वरना मुझे कुछ नहीं पता था कि शादी किसकी है, क्योंकि भाई मैं तो यूट्यूब चैनल की वीडियो करने आया था। और साथ ही तुम लोग का भाई इस टाइम खड़ा होकर तमाम लोगों को दिखाना चाहता कि तुम लोग के भाई ने आज नाइकी जॉर्डन पहने हुए हैं, और तमाम लोग बिल्कुल बेहोश हो चुके तुम लोग के भाई का शूज़ देकर। और उसके बाद क्या नाम है हम लोगों ने डाली चावल, और चावल तो बिल्कुल ही मजे के नहीं थे, लेकिन फिर भी क्या था फ्री की शादी थी, खाने तो हमने जरूर थे क्या नाम है। तो तुम लोग भाई ने फिर चावल खाए, और वल्ला खुदा की कसम बड़ा मजा आया। और आप लोग मुझे बिल्कुल भी गलत मत समझना क्योंकि यार मैं कोई भूखा नंगा बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन हम यूट्यूब की चैलेंज वीडियो के लिए हमें सब कुछ करना पड़ा। और इस टाइम तक तुम्हारा भाई पेट फुल करके एकदम टकाटक बैठ चुका था, और फिर मैं ये सोचा था कि इस टाइम मिशन तो हम पास कर चुके हैं, तो अब शादी से निकला जाए। तो ये शादी थी किसी जट पुत्र की शादी थी, और पता नहीं क्या नाम है खाने का बिल्कुल इंतजाम नहीं था क्या नाम है, खाना बहुत बकवास खाना था, लेकिन क्या करते भाई सब खाना था। और सारे छपरी बच्चे लोग देखो पैसे किस तरह लूट रहे हैं, और मैं ये चीज़ सीन देख कर बहुत हैरान हो चुका था। लेकिन ये टाइम आ चुका था हमारे बिल्कुल घर जाने का, और ये देखो साले क्या नाम है किस तरह पैसे वगैरह लिख रहे हैं जो शादी वगैरह पे इनको मिल रहे थे। और एक चीज़ तो मैं बिल्कुल ही बोल चुका था कि ये साला दूल्हा छपरी साला लौंडा कहाँ बैठा, तो मुझे ये नहीं पता लगा था कि ये साला दूल्हा कहाँ पर है। दूल्हे को देखने के चक्कर में हम तो मामलों कन्फ्यूज हो चुके थे, तो फिर हम लोग सोचा कि क्यों ना शादी हाल से बिल्कुल जाया जाए, क्योंकि हमने खाई थी फ्री एक रोटी, वो तो हम खा गए हो चुके थे फारी। तो इस तरह हम सब लोगों से मिलते जुलते के नाम है शादी हाल से निकल चुके थे बाहर, और इसी तरह होता है हमारा मिशन पास। और तुम लोग बिल्कुल भी समझ कि तुम लोग का भाई को भूखा नंगा छपरी साला है, लेकिन इस तरह जिस तरह हम लोग फ्री में आए थे, और इस तरह हमने सोचा कि क्यों ना कि फ्री ही घर वापस जाए जाए। तो ज़िंदगी में कि ये मेरी पहली चैलेंज वीडियो थी, आई होप आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा। तो भाई को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, भाई को ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। और इसी तरह की हमने सोचा कि हम वापस भी घर अपने फ्री जाएँ, क्योंकि हम आए भी फ्री थे, हमने सोचा हम जाएंगे भी फ्री। तो इसी तरह क्या नाम है हमने एक ट्रक ड्राइवर को क्या नाम है हाथ दिया, वो आके बैठ चुका था, और हम लोगों ने उसके ट्रक ड्राइवर में उसके ट्रक में बैठ चुके थे। ये है वो साला ड्राइवर, ठीक है। और तुम लोग देख सकते हो कि हम लोग ट्रक में कितनी खुशी खुशी बैठ चुके हैं, और अब बारी आ जाती है घर पहुंचने की, और तुम लोग का भाई वो ट्रक से किस तरह उतर रहा है, और ये उतरे, और इस तरह होता है हमारा चैलेंज एकदम पास। अपने भाई को बिल्कुल भी गलत मत समझिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइएगा। और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, और भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।